वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक स्वीट डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है नारियल के लड्डू। ये एक तरह की मिठाई है जो कि आप व्रत में इजीली खा सकते हैं क्योंकि नारियल फलाहार माना जाता है। तो हम अपने नवरात्र के व्रत में या किसी भी व्रत में इसको इजीली खा सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू मेक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसका मेथड आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं ये नारियल के लड्डू बनाती हूँ। और इस मेथड को जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और फिर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। नारियल के लड्डू बनाने के लिए मुझे किन किन सामग्री की जरूरत है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये मैंने एक नारियल लिया है जिसको मैंने पील आउट कर लिया है, जिसका जैसे इसके ऊपर जो ब्लैक वाला छिलका रहता है उसको निकाल लीजिए आप चाकू की हेल्प से। एक कप मैंने शुगर ली है, 15 से 20 मैंने काजू लिए हैं, 15 से 20 मैंने बादाम लिए हैं, 4 इलायची ली है, इनका हमें पाउडर बनाना है और बादाम और काजू को भी हमें पाउडर बनाना है। और एक कप मैंने दूध लिया है क्योंकि जब हम नारियल को मिक्सी में पीसते हैं तो ये बहुत ड्राई रहता है, तो इसे थोड़ा सा इजी तरीके से पीसने के लिए हमें इसमें दूध की जरूरत है, इसलिए हमने ये दूध लिया है। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम काजू और बादाम को पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बादाम और काजू का मिक्सचर तैयार हो गया है, पाउडर बन गया है, बिल्कुल मैंने पीस लिया है इसको। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें मैंने ये नारियल डाल लिया है। ज्यादा भरकर नहीं डालने हैं, थोड़ा थोड़ा भरकर ही डालना है। ये हाफ मैंने इसमें नारियल डाल लिए हाफ जार में और इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क डालना है। ये मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें दूध डाल दिया है जिससे कि ये सूखा सूखा ना हो और इजिली पीस जाए। चलिए इसको मैं पीस लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से हमारा नारियल पिस जाएगा, हमें इतना ही महीन इसको पीसना है। देखिए मैं हाथ में लेके दिखा। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये हमारा आधा पक चुका है, इसमें देखिए अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है, हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें सारा मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता। इसको कंटिन्यू चलाते रहिए, अगर आप नहीं चलाएंगे तो नीचे ये तले में लग जाएगा जो लड्डू के टेस्ट को खराब भी कर सकते हैं, इसलिए इसको चलाते रहिए और बीच में चेक कर लीजिए कि हमारा नारियल पका है या नहीं। ये 20 मिनट में ऑलमोस्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा नारियल का सारा मॉइस्चर सूख गया है। अभी इस स्टेज पे हम अपने काजू और बादाम का मिश्रण इसमें ऐड करते हैं। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। इसे 2-3 मिनट के लिए हमें और पकाना है जिससे कि काजू और बादाम और नारियल आपस में मिक्स हो जाए, अच्छे से एक दूसरे का फ्लेवर मिक्स हो जाए। अगर फ्रेंड्स आपके घर में बादाम और काजू नहीं है और आपके घर में मूंगफली है तो आप बादाम और काजू के स्थान पे आप मूंगफली भी यूज कर सकते हैं। उसको आपको कच्ची मूंगफली है तो उसको आपको रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका निकाल के फिर उसको पाउडर बना के आप उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अभी इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, फिर इसको सिर्फ एक मिनट के लिए ही इसको हमें पकाना है अच्छे से, जिससे कि इलायची का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि इलायची आपको सबसे लास्ट में डालनी है कि जब लगे कि हाँ अब हमारा लड्डू का मिक्सचर तैयार है उसी स्टेज पे हमें इसमें इलायची ऐड करनी है। चलिए अभी हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे होने देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा लड्डू का मिक्सचर ये रूम टेम्परेचर पे हो गया है। अभी हमें अपने हाथ में
देसी घी लगाना है जिससे कि ये मिक्सचर हाथ में चिपके नहीं। और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं और उसको इस तरीके से ये हमारा लड्डू बन जाएगा। और ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे इसलिए बहुत ध्यान से धीरे धीरे बनाइएगा। इसी तरीके से हम दूसरा लड्डू भी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा लड्डू भी बन गया है। इसी तरीके से हम अपने बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। चलिए मैं बाकी के लड्डू तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे नारियल के लड्डू बिल्कुल तैयार हैं और मैंने थोड़ा सा जो नारियल का बरूदा रहता है उससे इसको थोड़ा सा डेकोरेशन कर दी है, तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में तो टेस्टी बहुत ही है। आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी आज की वीडियो यहीं पे लास्ट होती है और इसी तरह से मैं आपके लिए और टेस्टी टेस्टी रेसिपीज लेके आती रहूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।